हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होगे। सो आज मैं बना रही हूँ सूजी हलवा फॉर माय बेबी। तो ये वेट गेन के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन बच्चों का वेट गेन नहीं हो रहा तो आप डेली ब्रेकफास्ट में खिलाइए अपने बेबीज़ को, तो आप देखेंगे आपका बेबी का वेट गेन होने लगेगा। सो हमको कुछ नहीं करना, हमें रोस्टेड सूजी लेनी है और ऐसे रोस्ट कर लेना है अच्छे से। और मैं ये नंदनी का घी यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हम उसमें घी ऐड करेंगे जब आपकी सूजी ब्राउन हो जाए। उसके बाद अच्छी तरीके से हमको इसे मिक्स कर लेना है कुछ इस तरह से, और आपको चलाते रहना है, नहीं तो वो गठाने बन जाएगी। सो आप ऐसे ही चलाते रहना। देखिए मैंने अच्छे से घी के साथ सूजी को मिक्स कर लिया है और ऐसा एकदम ब्राउन कलर हो गया है, तो इसका मतलब आपकी सूजी अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुकी है। देन उसके बाद आपको इसमें नॉर्मल टेम्परेचर वाला वाटर ऐड करना है। सो और आपको ऐसे हिलाते रहना है इसको ताकि सूजी में गठाने नहीं बने। सो मैं ऐसे हिला रही हूँ बिल्कुल सेम इसी तरीके से, आपको धीरे धीरे बस चलाते रहना है। और उसके बाद आपको इसमें मिल्क ऐड करना है। तो मैंने ऑलरेडी मिल्क ऐड कर लिया है, मैं शॉट लेना भूल गई थी। और ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुकी है हमारी सूजी हलवा। और इसको एकदम धीरे गैस पे आप पकाइएगा, सो अच्छे से सूजी आपकी पक जाएगी। देन इस पे मैं ये गुड़ ऐड कर रही हूँ, ये एकदम लाइक ऑर्गेनिक जैगरी है। सो मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके, मैं बेबी के लिए यही वाली यूज़ करती हूँ जैगरी। सो एक स्पून लेके और इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, तो मैंने जैगरी अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है। और हमारा सूजी हलवा ऑलमोस्ट रेडी है। कोई कोई लोग इसमें शुगर भी मिलाते हैं, बट मैं शुगर अवॉइड करती हूँ बेबी को देने के लिए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा मिठास के लिए जैगरी मिला देती हूँ। नहीं तो आप इसमें बनाना भी मिला सकते हो, सो थोड़ा स्वीट वाला टेस्ट आ जाएगा। और साइड में मेरे राइस पक रहे थे तो उसका भी मैंने शॉट ले लिया। तो ये एकदम रेडी है, पर आपको लाइक इतना ही पकाना है, लाइक ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, इतना ही पकाओगे तो अच्छा है। देन मैं इसको बोल में डाल रही हूँ और मेरा मोबाइल लाइक गिर रहा था बार बार। सो या इतना ही, तो बहुत इजी है। अगर बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है आपके बेबीज़ का, तो आप ये खिला सकते हैं। आप इसमें डेट्स भी ऐड कर सकते हैं, खजूर, सो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बनाना, खजूर, ये सब आप इसमें ऐड करके अपने बेबी को खिला सकते हैं। और अब देखिएगा, मैं इसको लाइक ब्रेकफास्ट के लिए रेडी कर रही थी, मैं बिठा रही थी कि ये बैठ जाए, और ये तो मस्ती करने में लगा हुआ था। सो यहाँ पे मैंने उसका कोको मेली लगा दिया है और अब इसको मैं बिठा के यही सूजी हलवा खिलाऊंगी। और आप देखिएगा ये कितने अच्छी तरीके से खाता है, लाइक इसको बहुत पसंद है ये। तो मैं नॉर्मली मोस्टली इसको ब्रेकफास्ट में यही देती हूँ। ये अपना हलवा एंजॉय कर रहा है। आप भी प्लीज़ ये बनाइएगा अपने घर, और अगर आपके बेबीज़ का वेट गेन नहीं हो रहा है तो आप ये ट्राई करिएगा, बेबी बहुत एंजॉय करके खाते हैं। सो इसने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।